अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चंगेज़ी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें देसी क्वीन। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन, 1 लेमन जूस, 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 कप्स ऑफ दही, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून्स, 1.5 कप ऑफ टोमेटो प्यूरी, 1.5 कप ऑफ मिल्क, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 अनियन एंड 2 टेबल स्पून कैशू नट पेस्ट, कसूरी मेथी, कटी हुई हरी धनिया। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये है मैरिनेशन के लिए। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर और दही। ये इन सब को इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 आवर तक मैरिनेट के लिए रख देंगे। वन आवर होने के बाद मैंने कढ़ाई ली है, उसमें विदाउट ऑयल मैंने जो भी हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसे डाल दिया है। अब हम उसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो भी पानी निकल रहा है वो सूख नहीं जाता। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। यहाँ पर देखिए इसका पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। अब उसी पैन में मैंने फिर से ऑयल गर्म किया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 होल अनियन। अगर आपके पास छोटे अनियंस हैं तो आप 2 ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू। पहले अनियन को थोड़ा पिंक करेंगे। अब मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। अब इन सब को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना मैं जब इसका पेस्ट बनाऊँगी तो फिर इसमें इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने फिर उसी पैन में ऑयल गर्म किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे। इसे हल्का ब्राउन टेक्सचर देना है। ये देखिए ये भुन गया है। अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करूँगी, जो कि है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसे फिर से भुनेंगे। मैंने इसमें ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि हमारे ग्रेवी जो है वो ज़्यादा होगी इसमें, और अगर ऑयल नहीं दिखेगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैं इसे भून रही हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह से भून गया है, तेल ऊपर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भून जाता है तो तेल ऊपर आ जाता है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। Thank you.
इसे चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गरम मसाला। धनिया पाउडर, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। जैसे कि हम मैरिनेशन में रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर स्किप करना होगा रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट को। यहाँ पर सिर्फ धनिया पाउडर और गरम मसाला, इतनी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। फिर से हमें इसे भूनना है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ, और उसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बॉईल हो गया है। अब मैं यहाँ पर कैशू और अनियन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। कैशू और अनियन का पेस्ट डालने से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने चिकन को पकाया था थोड़ी देर के लिए, जिसका पानी सुखाया था, वो चिकन फिर से ऐड करेंगे इसमें। सारा चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। ढककर नहीं पकाना है क्योंकि चिकन ऑलरेडी गल चुका है। बस मसालों को अच्छे से भूनना है और चिकन में मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने जिस तरह से चिकन को मिक्स किया है हल्के हल्के, उसी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद ये जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तब मैं इसमें लास्ट में कसूरी मेथी और हरी धनिया डालूंगी। और बस अब इसे थोड़ा और पकाएंगे और फिर चिकन चंगेजी खाने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया है और फ्लेम ऑफ कर दी है। ये देखिए, चिकन चंगेजी रेडी है। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब देसी क्वीन। थैंक यू।